दोस्तों पांच के फंडे में पांच क्वेश्चंस देख लेते हैं। सिंधुताई सिंधुताई सपकार वॉज नोन एज ए मदर ऑफ ऑफेंस, बी मदर ऑफ ऑल, सी मदर ऑफ फॉरेस्ट एंड डी सीड मदर। आंसर इज ए मदर ऑफ ऑफेंस। दोस्तों ऑन द 4th January द ग्रेट वुमन डाइड इन पुना, नोन एज अनंताची माई और मदर ऑफ ऑर्फेंस, बॉर्न इन अ वर्धा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र ऑन द 4th November 1948। अ ग्रेट लेडी जस्ट स्टडीड 4th class है ना, और मैरिड एट एज ऑफ 10 विथ अ मैन ऑफ एज 30। उनके हस्बैंड ने बाद में उनको छोड़ दिया और उसके बाद उनकी काफी बुरी कंडीशन हो गई। शी वॉज लिविंग बाय सिंगिंग एंड बेगिंग इन अ ट्रेन। जब ये ट्रेन में गाना गाते हुए और भीख मांगते हुए जब इधर उधर जर्नी कर रही थी तो उनको रियलाइज हुआ कि वहां पे तो बहुत सारे बच्चे हैं भाई जो ऑर्फेंस है, जिनको मदर की सख्त जरूरत है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है मदर, मदर की सख्त जरूरत है। ये एहसास हो गया और एहसास होने के बाद उन्होंने तुरंत जो है बच्चों को अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। वहीं पे प्लेटफॉर्म पर उनको जो भी मिलता था खाना वो खिलाती थी, और बाद में उन्होंने एक ऑफेंस स्टार्ट कर दिया, सम्मति बाल निकेतन संस्था जो पुणे में हड़सपर है एरिया, वहां पे उन्होंने स्टार्ट कर दिया। शी वॉज अवार्डेड इन 2010 विथ अहिल्याबाई होलकर अवार्ड ऑफ महाराष्ट्र, ये टॉप मोस्ट अवार्ड है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का। 2021 में उनको पद्मश्री से नवाजा गया। उनकी बायोपिक जो है बहुत ही बेहतरीन बायोपिक है मराठी में, मी सिंधुताई सपकार बोलते है, ये बहुत ही बेहतरीन बायोपिक है, आप दोस्तों जरूर देख लेना और इंस्पायर होना कि भाई डिस्पाइट ऑफ सच एडवर्स कंडीशंस कि कितनी ग्रेट वर्क इन्होंने किया था। सेकंड क्वेश्चन, वेयर द कुनु पालपुर नेशनल पार्क लोकेटेड, ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटका एंड डी झारखंड। सो आंसर इज बी मध्य प्रदेश में है दोस्तों कुनु पालपुर नेशनल पार्क। क्यों न्यूज में देख लेते हैं भाई, तो न्यूज में इसलिए है कि भाई इंडिया में अभी चीता आएगा, चीता देखने का अपॉर्चुनिटी इंडियन को मिलेगा। अभी तो भाई चीते को संभाल के रखो है ना, अभी इसके पहले तो पूरा खत्म कर दिया हमारा इंडिया है, इंडिया में क्या पूछो मत है ना। देखो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव, इन्होंने ऑन द 5th January 2022 को लॉन्च किया एक्शन प्लान फॉर इंट्रोडक्शन ऑफ चीता इन इंडिया एट 19th मीटिंग ऑफ नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA के कन्वेंशन में डिक्लेयर कर दिया। अब चीता जो है इट्स अ वर्ल्ड फास्टेस्ट कैट है जो इंडिया में 1950 में एक्सटिंक्ट हो गया था, एक्सटिंक्ट यानी एक भी चीता इंडिया में बचा नहीं। देखो हम क्या करते हैं, क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द हंटिंग और दूसरा हैबिटेट लॉ, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है भाई, तो हम ही है ना। तो भाई प्राउड होना चाहिए इंडियन है करके, तो अभी तो संभाल के रखो है ना। नाउ विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया, नाउ मिनिस्ट्री विल ट्रांसलोकेटेड 8 to 10 चीता। कहां से लाने वाले भाई, साउथ अफ्रीका, नामीबिया, बोत्सवाना, यहाँ पे दुनिया के सबसे ज्यादा चीते हैं, वहां से लाए जाएंगे और कुनु पालपुर नेशनल पार्क में रखे जाएंगे है ना। उसका कंजर्वेशन करो और उसकी पॉपुलैरिटी करो अच्छे से और जतन करो भाई, अपना देश है, अपने देश की धरोहर को है ना जतन करने की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट्स एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशनली इट्स अवर फंडामेंटल ड्यूटी, तो उसका रक्षण करो। थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वन, चाइना अडॉप्टेड 3 child पॉलिसी इन August 2021। एंड सेकंड, चाइनाज बर्थ रेट इन 2020 वॉज लोएस्ट सिंस 1978। विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। आंसर इज सी बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो अभी चाइना बोलता है कि भाई 3 बच्चे चाहिए, आप 3 बच्चे तक आयुष कर सकते हो
है ना, पहले चाइना की पॉलिसी थी वन चाइल्ड पॉलिसी, पूरी वाट लग गई, अभी वो थ्री चाइल्ड पॉलिसी पर आ गए। देखो डेमोग्राफिक क्राइसिस हो गया है, बर्थ रेट ऑफ चाइना 10 रीजन फॉल बिलो 1%, है ना, रिप्लेसमेंट के भी बहुत ही पीछे हो गए। अडॉप्टेड टू चाइल्ड पॉलिसी 2016 ध्यान में आया कि ये भी कारगर नहीं हो रही हुई, तो थ्री चाइल्ड पॉलिसी पिछले साल जो है अनाउंस कर दी। लेकिन फिर भी पॉपुलेशन जो है बहुत ही स्लो रेट से ग्रो हो रहा है, डेमोग्राफिक क्राइसिस आ गया है। और देखो इनका जो पॉपुलेशन अबाउ द 60 ईयर्स, दूसरे तरफ एक तरफ तो इधर भाई बच्चे पैदा नहीं हो रहे, दूसरे तरफ जो है डेमोग्राफिक क्राइसिस कौन सा है, तो एज पॉपुलेशन इनका जो है रेशियो बहुत ज्यादा हो गया 18.7%, तो बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। नेचुरल ग्रोथ जो है इट्स अ रेट जस्ट 1.45 per 1000, ये सबसे लोएस्ट है सिंस 1978, है ना। 10 रीजन्स में 1% है बिलो द 1% और 14 रीजन में अबव द नेशनल एवरेज है। तो ये देखो ये ग्राफ आप देख सकते हो, जहां पे वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म अडॉप्ट कर दिया तो पहले ग्रोथ होता था, ऑब्वियसली वन चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर दिया तो तुरंत ग्रोथ नीचे नहीं जाएगा, थोड़ा सा अप हो गया और बाद में जो कंटिन्यूस फॉल हो गया, कंटिन्यूस फॉल होते गया है ना, आप देख सकते हो। टू चाइल्ड पॉलिसी अडॉप्ट कर दिया फिर भी फॉल हो रहा है, बड़ा मुश्किल काम है। आप कितनी चाइल्ड पॉलिसी करते, रशिया के जैसा तो नहीं है ना कि भाई 10 बच्चे पैदा हो गए तो अवार्ड दिया जाएगा। देन द फोर्थ क्वेश्चन, विच कंट्री नॉट शेयरिंग बॉर्डर विद कजाकिस्तान, ए तुर्कमेनिस्तान, बी उज्बेकिस्तान, सी किर्गिस्तान और डी अजरबैजान। सो आंसर इज डी, अजरबैजान जो है ये बाउंड्री शेयर नहीं करता। देखो आप देख सकते हो मैप में ये कजाकिस्तान है, यहाँ पे जो है ये एरिया देखो वेस्टर्न एरिया में कैस्पियन सी कवर करता है, ये तुर्कमेनिस्तान कुछ एरिया, उज्बेकिस्तान सबसे ज्यादा बाउंड्री कवर करता है, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उज्बेकिस्तान और सबसे ज्यादा, इससे भी ज्यादा कौन कर रहा है, तो रशिया है ना, रशिया के बाद उज्बेकिस्तान, ठीक है, बाद में किर्गिस्तान जो है ये करता है, तजाकिस्तान ये शेयर नहीं करता, ठीक है, और यहाँ पे अजरबैजान ये भी शेयर नहीं करता। न्यूज में क्यों आया कि एलपीजी प्राइस राइज होने की वजह से क्योस आ गया है, आंदोलन हो रहे, झानाजोन टाउन जो है ऑयल रिच वेस्टर्न एरिया में है, उस वहां पे भी आंदोलन हुआ। अलमाटी जो है ये देखो ये अलमाटी है, ये अलमाटी लार्जेस्ट सिटी है, यहाँ पे भी आंदोलन हो गया। सो देयरफॉर ऑन द 5th January प्रेसिडेंट जोमार्ड टोकायव जो है इन्होंने इम्पोज कर दिया स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन अलमाटी सिटी, और रशिया को हेल्प मांगी है, तो रशिया पैराट्रूपर्स जो है दे वेयर डिस्पैच टू हेल्प द कजाकिस्तान, है ना, ये इसके तहत है, अंडर द मॉस्को लेट सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत रशिया ने जो है कजाकिस्तान को हेल्प किया है। देन द लास्ट क्वेश्चन, हाइपरसोनिक मिसाइल वन मिनिमम स्पीड इज 5 times मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड, टू इट्स अ बैलिस्टिक मिसाइल, थ्री फास्टर देन इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। सो आंसर इज ए, ओनली ए, एक्चुअली इट्स अ मिनिमम स्पीड एटलीस्ट 5 times, दैट मीन 5 mach रह सकते या उससे ज्यादा भी, रशिया की कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल है जो 10 mach तक भी है। अब इट्स नॉट एक्चुअली बैलिस्टिक, इट्स अ नॉन बैलिस्टिक मिसाइल, है ना, एंड इट इज नॉट फास्टर दैन द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, लेकिन ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से बेहतरीन होती है। देखो न्यूज में इसलिए आया है कि नॉर्थ कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया हैज सक्सेसफुली टेस्टेड सेकंड टाइम अ हाइपरसोनिक मिसाइल ऑन द 6th January 2022। अब हाइपरसोनिक मिसाइल जो है इसकी स्पीड जो है 5 mach या उसके ज्यादा हो सकती है, और इसी वजह से इसके बनावट में वगैरह थोड़ी सी डिफिकल्टी है, इतना आसान नहीं है, है ना, यानी स्पीड क्या रह सकते हैं, इट्स अ स्पीड मोर देन 5 times ऑफ द साउंड, साउंड की स्पीड दैट इज स्पीड ऑफ 3836 मीटर पर आवर, है ना। अब ये देखो दैट इट मीन्स अराउंड 1 mile per second। अब इट्स अ नॉन बैलिस्टिक मिसाइल, स्लोअर देन इंटरकॉन्टिनेंटल, बताया मैंने आपको, शेप ऑफ द व्हीकल अलाउ इट टू मैन्यूवर, जिस ढंग से शेप होता है इट अलाउ टू मैन्यूवर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द डिफेंसेस, इसलिए डिफेंस को आइडेंटिफाई नहीं होता। दूसरा खास बात है
कि इट्स मूविंग 120 किलोमीटर लैटरली आफ्टर इट डिटैच फ्रॉम द लॉन्चर टू स्ट्राइक द टारगेट, यानी ये यू ऐसे जाता है 100 किलोमीटर के नीचे से ही, और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को ऐसा प्रोजेक्टाइल करना पड़ता है, इतना ऊपर जाना पड़ता है, तो यहाँ पे पता चल जाता है। और ये जो है टारगेट के नजदीक जाने के बाद पता चलता है, तो टारगेट को अपने एक्शन लेने के लिए, डिफेंस के एक्शन लेने के लिए वक्त नहीं रहता, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस हाइपरसोनिक मिसाइल्स, है ना। और पिछले साल जो है हैंगसोंग 8 इन सितंबर 2021 वाज टेस्टेड, फर्स्ट टाइम टेस्ट कर दिया गया नॉर्थ कोरिया ने। सो ये 5 के फंडे ध्यान में रखो दोस्तों।